हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एंड आज अभी डे टू मेरा देहरादून में और सब कुछ सेटल वगैरह हो चुके हैं। इससे लास्ट वाला व्लॉग अगर तुम लोग ने नहीं देखा तो पहले उस व्लॉग को जाकर देखना, क्योंकि वो वाले व्लॉग में मैंने तुम लोग को अपना पूरा घर का छोटा सा एक टूर जैसा दिया। बाकी तुम लोग कमेंट करोगे तो मैं प्रॉपर एक मतलब जो मेरा जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना एरिया में पूरा मैं तुम लोग को ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा दिखा दूंगा। तो कमेंट यार जरूर कर देना अगर तुम लोग को भाई इस घर का पूरा होम टूर चाहिए। बाकी अभी गुप्ता जी तो गए हुए हैं वॉशरूम में, ठीक है, और अभी वो भी ब्लॉग शूट कर रहे थे तो अपना पूरा रूम ऐसा है, तुम लोगों ने जैसा देखा ही होगा। बाकी बाहर चलते मैं तुम लोगों को ना बाहर का एक बार मौसम दिखा दूं। काफी बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर का, और तुम लोगों को बता दूं कल शाम को ना बहुत खतरनाक वाली बारिश हो रखी थी। और गुप्ता जी हैं अभी वॉशरूम में, ये अपना वॉशरूम। अंदर आए क्या? अंदर नहीं आ रहा हूँ। और बाकी सामान सारा हमने यहाँ पे रख लिया है, वो देखो गैस चूल्हा वगैरह बर्तन वगैरह सब कुछ धुले हुए हैं अभी फिलहाल के लिए। बाकी बाहर चलते हैं, पहले मैं तुम लोग को बाहर का एक नज़ारा दिखाता हूँ, जरा खतरनाक सा हो रखा है। तो ये देखो पूरा बारिश वाला है, यहाँ पे एक खंबा भी है जिससे हम लोग को थोड़ा बच के रहना है, और वायर वगैरह, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा पास है। देखो ये बालकनी और यहाँ पे वायर है, देख रहे हो, बिल्कुल पास है भाई, इसको थोड़ा संभल के रखना पड़ेगा। बाकी छत पे चलते हैं गाइस पहले हम लोग। और सीढ़ियाँ देख रहे हो कितनी खतरनाक सी हैं भाई, ऐसी सीढ़ियाँ हैं ना भाई लोहे की, इसमें एकदम देख देख कर जाना पड़ेगा। और छत पे गाइस कसम बहुत खतरनाक वाला मौसम हो रहा है बाहर। तो अभी दिखाता हूँ मैं तुम लोग को, बैक कैमरा तरफ से खुला हुई है। तो ये देखो, और हमारे घर का जो एरिया है ना उसके आसपास देखो चारों तरफ खेत ही खेत है, वहाँ सामने घर बन रहा है और यहाँ पे डेवलप मतलब आसपास से घर वगैरह बन ही रहे हैं, वहाँ पे बन रहा है। और वहाँ पे एक गार्डन जैसा है, वो गार्डन है कि स्कूल है कॉलेज है, मुझे नहीं पता क्या है वो। वैसे मुझे देखने में लग रहा है कि वो स्कूल या फिर कोई कॉलेज वगैरह है, छोटा मोटा सा होता है ना, जिसमें गार्डन काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे एक बार जाके देखेंगे अगर पॉसिबल होता है तो, बाकी मुझे लगता नहीं जाएंगे हम लोग। बाकी यहाँ पे देखो खेती वगैरह हो रही है, और भुट्टे वगैरह नहीं होते, भुट्टे होते हैं जो, तो उसके खेत वगैरह हैं यहाँ पे, ये लोग किसान लोग सब निकाल रहे हैं। बाकी काफ़ी अच्छा मौसम है, हमारी टंकी है तो मौसम वगैरह काफ़ी अच्छा हो रहा है भाई यहाँ पे। एंड पूरा पानी पानी हो रखा है गीला गीला, क्योंकि भाई पूरी रात भर यहाँ पे बारिश हुई है, ठीक है। आसपास का नज़ारा काफ़ी बढ़िया है, पूरा ग्रीन ग्रीन है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब तुम लोगों को कैमरे में इतना जस्टिस नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे अगर तुम लोग आओगे ना देहरादून में, देहरादून एक ऐसी सिटी है जो कि यार हमेशा मोस्टली यहाँ पे कभी भी बारिश हो जाती है, जैसे कि नैनीताल में होता है ना। अगर तुम लोग नैनीताल गए हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं तो भाई बहुत बार गया हूँ नैनीताल, ठीक है, क्योंकि मेरी दीदी भी वहाँ पे रहती है तो उनके घर पे भी मैं रुका था। एंड वहाँ पे लिटरली ना कभी भी बारिश हो जाती थी, मतलब अगर तुम लोग गए हो नैनीताल तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। मतलब ऐसा होता था ना, मतलब तुम सोचोगे नहीं, कभी धूप आ रही होती है और तुरंत 5-10 मिनट में तुरंत बारिश शुरू, भाई ऐसा सीन होता है। एंड सेम यहाँ पर है, कल हम लोग अच्छा हो हम लोग सामान दिन में ही ले आए थे, और रात को भी मैं गया था क्योंकि हमारा जो बेड है ना वहाँ पे ऊपर देखो दो बेड हैं, ठीक है, अभी फिलहाल दो बेड लगा रहे हैं क्योंकि गुप्ता जी भी रुकेंगे यहाँ पे, उन्हीं के दोस्त का दरअसल घर है ये योगेश भाई का, जो कि तुम लोग को मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखा दिया था। वैसे ब्लॉग अभी मैंने अपलोड किया नहीं है पब्लिक, बट जब भी आएगा तुम लोग ने देख लिया होगा अगर इससे पहले वाला ब्लॉग तुमने देखा होगा। बाकी अभी थोड़ी देर में ना, अरे मैंने तुम लोग को टाइम तो बताया नहीं, अभी बज रहे हैं भाई 10:30, ठीक है, हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिए, चाय रस हमने खा लिए। बाकी अगर तुम लोग को हाउस टूर चाहिए ना पूरा, तो प्रॉपर मेरे को कमेंट कर देना नीचे कि भाई हाउस टूर का एक सेपरेट वीडियो लाओ, तो मैं तुम लोग को पूरा अपना हाउस टूर दूंगा, मतलब गेट के बाहर से वहाँ गली से लेकर पूरा घर के अंदर तक पूरा हाउस टूर दे दूंगा। एड्रेस नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना पता नहीं देहरादून, अच्छा मेरे को ये बताना कि देहरादून से कितने लोग देख रहे हो भाई, ठीक है, कितने लोग देहरादून से मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, मैं भी तो देखूँ भाई देहरादून से कोई देखता भी मुझे नहीं देखता, या फिर रुद्रपुर से तो एक आध बंदे शायद होंगे रुद्रपुर से, बाकी मुझे नहीं पता। मौसम काफ़ी अच्छा है भाई कुल मिला के, कुछ भी कहो। बाकी अभी हम लोग को मार्केट भी जाना है क्योंकि हम लोग को थोड़ा सा ना सामान लेना है। देखो गुप्ता जी अपना चार्जर भूल गए पहले बात तो आईफोन का, और आईफोन का चार्जर अगर कोई और ऐसी इसमें घुसा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उनके लिए पहले एक केबल लेने भी जाके, और हम लोग को भाई थोड़े बहुत बर्तन और लेने क्योंकि कुकर और जो तवा होता है जिसमें रोटी वगैरह बनती है वो भी हम लोग को लेना है, क्योंकि बिना बिना कुकर के तो भाई कुछ बनना ही नहीं, ना दाल बनेगी ना चावल बनेगी, कुछ भी नहीं बनेगा, तो हम लोग को वो भी लेना जाकर। और गुप्ता जब भी वीडियो बनाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे थोड़ी देर में, बस बारिश ना हो तो बढ़िया रहेगा। बाकी छाता भी लेना है, तो अब चलते हैं नीचे। एंड तुम लोग को मैं बैक कर रहा था, सीढ़ियाँ दिखाता हूँ पहले, सीढ़ियाँ काफ़ी खतरनाक है भाई इसकी। तो ये देखो गाइस खतरनाक सी सीढ़ियाँ और रखी हैं इसकी, ये मैं सीढ़ियों पर देख कर चलूँगा, कैमरे पर मैं फोकस नहीं करूँगा वरना मैं नीचे गिर जाऊँगा, ठीक है। खतरनाक सी सीढ़ियाँ हैं इसकी, बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल लोहे की खतरनाक सी सीढ़ी भाई, मेरे को पता है उतरते हुए डर लग गया था कल मैं जब पहली बार आया था इधर, बहुत ही खतरनाक। और ये कूड़ा रखा हुआ है, इसका भी इंतजाम करना है, मतलब गाड़ी वाड़ी पता नहीं आएगी नहीं आएगी। बाकी ये हमारी बालकनी है, मतलब बालकनी क्या घर के रूम से बाहर निकलते ही, और ये अपना रूम, वहाँ पर किसी और का घर है, ठीक है, शीशे वगैरह लगे हुए हैं। बाकी अंदर ही चलते हैं, और गुप्ता जी शायद अभी तक पॉटी कर रहे हैं, आए नहीं ना अभी तक तुम, क्या चल रही है मीटिंग, चल रही है अंदर, ला नहीं सकता ना मैं, गेट लगा रखा है तुमने। तो कैसे आ चुके गुप्ता जी पॉटी करके। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ी तेज सुस्सू लग रही थी।
बाहर यार नाली है ही नहीं है ना, पता है खेतों में है ही नहीं नाली, खेतों में कर देना, खेतों में नहीं ना यार, अच्छा अच्छी बात नहीं है। ऑलराइट गाइस यार, तो अभी यार देखो सीन को, जैसे कि गुप्ता जी बना रहे हैं भाई GTA 5 की अपनी वीडियो, और मैं जा रहा हूँ भाई मार्केट। तो पहले गाइस ताला खोल लेते हैं, इसका यहाँ पे ताला लगा हुआ है क्योंकि रात को हम लोग को ताला लगाकर सोना पड़ता है इसलिए। ओके, तो मैंने गाइस ताला खोल के मैं बाहर आ चुका हूँ, बाकी मास्क वगैरह सब कुछ पहना हुआ है। तो चलते हैं बाहर, मेरे को जाना है अभी यहाँ से प्रेमनगर चौक पे। तो अगर तुम लोग देहरादून के हो तो तुम्हें पता होगा भाई प्रेमनगर चौक कहाँ पर है, ठीक है। मैं तो फिलहाल जा रहा हूँ वहीं पे, क्योंकि मैंने वही मैंने एरिया देख रखा है। और बाकी उससे आगे तो देखो मैं अगर जाऊँगा ना तो वहीं भटक जाऊँगा लिटरली, क्योंकि मैंने ज़्यादा कुछ देखो देहरादून में घूमा हूँ नहीं और मैंने देखा है नहीं। तो अभी चलते हैं, मेरे को सबसे पहले लेना है एक कुकर, ठीक है, एक कुकर लेना है और छन्नी लेनी, क्योंकि हम लोग ने चाय सुबह बनाई भी थी बट हमने जैसे जैसे जुगाड़ करके बिना चाय पत्ती के उसको पी ली, बट छन्नी चाहिए और आटा छानने के लिए भी एक और छन्नी चाहिए, ठीक है। तो चल कर लेते हैं भाई वो वाला सामान। और मेरे को सबसे मेन चीज़ गुप्ता जी के लिए आईफोन की केबल लेनी है, क्योंकि उनका जो ब्लॉग है ना, ब्लॉग नहीं सॉरी, अब उनकी जो बीबी गेमिंग वाली आईडी है, मतलब सारी यूट्यूब की आईडी उनके फ़ोन में लॉगिन हो रखी है। एंड उनका फ़ोन अगर स्विच ऑफ रहेगा, उनका कल रात से स्विच ऑफ रहेगा फ़ोन, अगर वो स्विच ऑफ रहेगा तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी इसीलिए मैं जा रहा हूँ, क्योंकि वो तो वीडियो बना रहे हैं एंड फिर हम लोग हो सकता है कि शाम को दोबारा से प्रेमनगर चौक पे या फिर कहीं जाएं, मतलब प्रेमनगर में, क्योंकि व्लॉग तो देखो करना ही है। मैंने तुम लोग से बोले कि व्लॉग्स आएंगे, अभी फिलहाल मैं जॉब वगैरह के लिए नहीं जा रहा, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना कि मैं कॉलेज में एडमिशन ले लूँ यहीं पे देहरादून में। तो अगर यहाँ पर हो जाता है, शाम को हम लोग को जाना है, ठीक है, यहाँ पर अगर हो जाता है एडमिशन तो काफ़ी सही हो जाएगा, हम लोग को रुद्रपुर बार बार जाना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, यहीं पर हो जाएगा तो सही मस्त, मतलब मस्त सीन हो जाएगा, पता नहीं नोटिफिकेशन क्या आया। तो चलते हैं प्रेमनगर चौक पर एंड चल कर देखते हैं। और बाकी मेरे को हाँ एयरटेल एक्सट्रीम की भी बात करनी, क्योंकि भाई बिना यहाँ पे ना देखो सीन कुछ ऐसा हो जाता है कि नेट चल ही नहीं रहा है, मतलब बाहर जाना पड़ रहा है। तुम लोग ने अगर उनका व्लॉग देखा, ये वाला व्लॉग मुझे नहीं पता कब आएगा, बट अगर तुमने उनका व्लॉग देखा है तो तुम्हें पता होगा, उन्होंने बताया था इस चीज़ के बारे में कि नेट बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी गली थी पूरी, मैंने तुम लोग को दिखा दी, पीछे से वहाँ बहुत अंदर को घर है इनका। तो चलते हैं प्रेमनगर चौक पे, मेरे को पैदल पैदल ही जाना पड़ेगा एंड मैं तुम लोग से डायरेक्ट भाई प्रेमनगर चौक पे मिलता हूँ, क्योंकि भाई वो रोड है, रोड से मेरे को जाना पड़ेगा ना, तो गाड़ी वाड़ी सिंगल, मतलब सिंगल लाइन है तो दिक्कत हो जाएगी, कोई गाड़ी वाड़ी मेरे को उड़ा ना दे इसलिए, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। बाकी चलते हैं प्रेमनगर चौक पे, चलकर भाई सामान वगैरह लेते हैं। ये वाली रोड है गाइस पूरी की पूरी, देखो मेरे को उधर सीधा की सीधे जाना है बिल्कुल, और काफ़ी यहाँ पे ट्रैफिक भी हो जाता है। अभी तो फिलहाल खाली है क्योंकि बारिश वगैरह हो रखी है। यहाँ से मैं पीछे से आया हूँ और यहाँ घूमते हुए मुझे आगे प्रेमनगर चौक पे जाना है। चलते हैं प्रेमनगर चौक पे एंड यहाँ पे भी शायद घर वगैरह रेंट पे मिलते हैं, तो जो भी गुप्ता जी रहते थे पहले यहाँ पे, बाकी फ्लावर्स की शॉप है। तो चलते हैं प्रेमनगर चौक पे उधर आगे की साइड एंड चलकर सामान खरीदते हैं। तो ये है गाइस प्रेमनगर चौक जाने वाली रोड, इससे आगे अगर उधर जाओगे तो प्रेमनगर चौक है वो, तो वहाँ से मैंने सामान ले लिया। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था इसलिए मैंने कहीं कोई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया है, वहाँ से मैं आया था और वहाँ पे है प्रेमनगर, तो मैंने सामान ले लिया। मैं तुम लोग को भी दिखाऊंगा क्या क्या सामान लिया है मैंने। ऑलराइट गाइस, तो मैंने सारा का सारा सामान ले लिया, यहाँ पे है मेरे हाथ में बहुत सारा सामान है, मैंने खाली व्लॉग ये वीडियो बनाने के लिए सारा सामान मैंने एक ही हाथ में रखा, वरना मैंने दो हाथ में पकड़ा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा भारी हो रहा है ये सामान, बट कोई दिक्कत नहीं यार, व्लॉग बना, व्लॉग तो देखो बनानी है, तुम लोग को सारी चीज़ें बतानी है, वरना फिर तुम लोग कहोगे भाई तू तो व्लॉग ही नहीं डालता, इसलिए कहते मैं व्लॉग बना रहा हूँ। बाकी मैं देखो वहाँ पे कुछ भी शूट नहीं कर पाया मैं, जितना क्या मैंने छोटी सी क्लिप रिकॉर्ड करी थी जो तुम लोग ने इससे पहले देख ली होगी, क्योंकि प्रेमनगर चौक पर बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक तो देखो वहाँ होता ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा था इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। बाकी चलते हैं घर पे और मैं फ़ोन अब दोबारा से जेब में रख ले रहा हूँ। सॉरी गाइस, मेरे फ़ोन में कॉल आ गई थी गुप्ता जी की, तो मैं घर पे जाता हूँ जल्दी, क्योंकि उनकी भी अभी कॉल आई थी ना, उनकी दीदी की कॉल आई थी, लेकिन उनका फ़ोन तो हो रखा स्विच ऑफ, तो मेरे नंबर पे उनकी दीदी की कॉल आ रखी थी। तो चलते हैं फटाफट से घर पे एंड चलकर भाई देखते हैं सामान वगैरह सब सेट करते हैं, क्योंकि कुकर भी ले ले तो खाना भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 11 या 11:30 पता नहीं बज गए होंगे। चलते हैं गाइस घर, और मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा तो मैं जल्दी से फ़ोन रख लेता हूँ अंदर। ऑलराइट, तो गाइस मैं अपने घर पे आ चुका हूँ, मतलब जहाँ हम लोग रेंट पे रहने, तो मैंने सामान अंदर रख दिया, मैं बाहर इसलिए गया था क्योंकि रोशनी अच्छी है, देखो यहाँ से एकदम मस्त रोशनी आती है। तो मैं एक मिनट लाइट जला देता हूँ पहले, उसके बाद लाइट के जलने में तो मेरे को बैक कैमरे से दिखाता हूँ पहले। तो ये देखो गाइस, ये है सारा का सारा सामान, ये रहा कुकर और मैं ये लाया था छन्नी, और ये थोड़ा बहुत सामान और अचार लेकर आया था मैं, बाकी हमारा सामान यहाँ रखा है। और गुप्ता जी ने भी दरवाज़ा खोला था और वो तो वीडियो भी बना रहे होंगे, अभी चलकर देखते हैं करके आ रहे हैं वो देखो। तो उनकी चार्जिंग केबल जो थी वो मैं लेकर आ गया था, वो वहाँ पे देखो चार्जर काम नहीं कर रही केबल, पता है काम नहीं कर रही, ऑन नहीं हो रहा फोन यार, ऑन अपने आप हो जाता है, लगाते पता है यार, ये तो पता नहीं है, ये चार्ज हो तो रही है शायद, नहीं ये जैसे केबल लगाते ना अपने आप ऑन हो जाता है चार्ज, एक बार ऐसे 2 मिनट छोड़ दो क्या पता पूरा डेड हो गया, इस वजह से दिक्कत कर रहा हूँ, क्या पता देखते नहीं तो जाना पड़ेगा, कहाँ से आया है केबल, वही बीच में कोई दुकान है, पड़ेगा। बाकी ये वीडियो वगैरह भी बनाएंगे अपनी, और खाने वाने का भी देखना है, अभी 12:30 बज चुके हैं, खाने का देखते कुकर लेकर आ चुका हूँ मैं, तो दाल वाल बनानी होगी अभी,
तो देखते गए तो भी खाना वाना बनाते हैं, एंड शाम को अगर कुछ होगा प्लान तो तुम लोग को मैं दिखाऊंगा ही, तो मिलते हैं हम लोग थोड़ी देर बाद भाई शाम को अगर बाहर जाते हैं तो। ऑलराइट, तो गाइस अभी इस समय मैं तुम लोग को टाइम बताऊं तो 7:05 हो रहे हैं, और अभी हम लोग बाहर गए थे बट मैं वापस से घर पे आया हूं, तो मैं तुम लोग को बताता हूं कि मैं क्यों आया। पहले दरवाज़ा खुल जाए ज़रा। तो दरवाज़ा कैसे खुल चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत की बात है, तो मेरे को काफ़ी धक्का लगाना पड़ा ताले को ज़रा को। तो मेरे को देखो आज ना फॉर्म भी भरना है अपना, पहले लाइट वगैरह ऑन कर लेता हूँ मैं। तो मेरे को कहते अपना जो कॉलेज का जो फॉर्म है ना वो मेरे को भरना, पहले मास्क उतारो। तो मैम आधार कार्ड और पैन कार्ड था बट मार्कशीट ले जाना भूल गया था, जो कि यार काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि बिना मार्कशीट के भाई अप्लाई तो मैं कर नहीं सकता, तो मार्कशीट ले लेते हैं एंड साइबर कैफे में जाके, या फिर देखते हैं बाहर जाकर ना साइबर कैफे में कैसे होता है। तो वहाँ से मेरे को फॉर्म वगैरह भरवाना है, लास्ट डेट उसकी है 31 अगस्त, और आज है 29, ठीक है 28 है, ठीक है 28 है। बाकी मैं उठाता हूँ और चलते हैं, गुप्ता जी और योगी जी बाहर खड़े हैं, हम लोग आज बाहर कोई जा रहे थे, उन लोग को मैंने बताया नहीं, मैंने सोचा वहीं जाकर रिकॉर्ड करूँगा बट मैंने सोचा बताई देता हूँ वापस आई गया हूँ। तो ये है गाइस मेरी मार्कशीट वगैरह, इसमें सब कुछ रखा हुआ है, तो मैं इसको पूरा पैकेट ऐसा लेकर जाता हूँ, लाइट बंद कर दे रहा हूँ और चलते हैं गाइस हम लोग। अब मैंने देखा हम लोग अभी फिलहाल प्रेम नगर जा रहे हैं क्योंकि फॉर्म भी भरना है, और दूसरी चीज़ देखते हैं अगर कुछ मतलब खुला होगा तो मोमो वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी खा पी लेंगे, क्योंकि कुछ मन कर रहा है आने का, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं। बाकी तुम लोग को भी दिखाता हूँ भाई जो भी हम लोग करेंगे देहरादून सॉरी प्रेम नगर में, वहाँ पे चल के ठीक है कोई रेस्टोरेंट में कहीं भी जाएंगे, मैं योगी जी और मतलब योगेश भाई और गुप्ता जी तीनों तीनों, ठीक है। तो चलते हैं, अब लाइटें मैं यहाँ से बंद कर दे रहा हूँ, रोशनी देख लो कितनी खतरनाक हुई, ठीक है। तो चलते हैं, मैं तुम लोग को डायरेक्टली वहीं पर ही मिलता हूँ किसी कैफे में, या फिर देखते हैं जहाँ भी रुकेंगे। हे गाइस, सो कल रात को यार हम लोग दरअसल प्रेम नगर गए तो थे, बट सीन कुछ ऐसा हो कि मेरा ना फॉर्म भर पाया और ना ही हम लोग ने कुछ खाया पिया, क्योंकि सीन ऐसा हो गया था कि बारिश आ गई थी इसमें सबसे मेन चीज़, और बारिश आना फिर ये है कि बारिश आती थी फिर रुकती नहीं, इसलिए हम लोग गए जल्दी जल्दी से हम लोग घर वापस आ गए। हम लोग 7:05 पर शायद यहाँ से निकले थे या 7:30 निकले थे, एंड फिर हम लोग 8:30 या 9:45 तक वापस आ गए, क्योंकि जाने में भी देखो 15-20 जाने में लगते हैं और 15-20 आने में लग जाते हैं। एंड फॉर्म में भर रहा था साइबर कैफे बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ उड़ी थी, एंड मैंने फिर फोन में देखा ना तो फोन में भी यार अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था ऑप्शन क्योंकि पता नहीं वेबसाइट क्रैश हो जा रही थी या कुछ ना कुछ सीन होता, बट अब उसमें अप्लाई करने का ऑप्शन आ रहा है, तो वो फॉर्म जो है मैं खुद ही भर दूंगा। बाकी इसलिए मैंने कल कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, कुछ था ही नहीं रिकॉर्ड करने का। बाकी इस वाले ब्लॉग को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, मुझे नहीं पता कितने लोग अभी तक ये वाला पार्ट देख रहे होंगे, अगर तुम लोग ये वाला पार्ट देख रहे हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और टाइम स्टैम्प जरूर वहाँ पर लिख देना। और मेरे को एक चीज़ और बताना कि मेरे को ना ब्लॉग की टाइमिंग क्या रखनी चाहिए, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि सुबह के टाइम डाला जाए ब्लॉग 11 बजे के टाइम या 10-11 बजे, या फिर दिन में डाला जाए 2-3 बजे या 1 बजे जो मैं डाल रहा हूँ जिस टाइम पर ये वाला ब्लॉग भी आएगा 1 बजे, कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। बाकी इस वाले ब्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अगर पसंद आएगा, पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर नए आ गए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर तो जाना मत, क्योंकि अब मैं देहरादून आ चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग ब्लॉग्स आएंगे। अभी मैं एक और ब्लॉग यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड हम लोग शायद अभी कहीं बाहर जा रहे हैं स्कूटी वगैरह रेंट पर लेके, तो जो भी होगा नेक्स्ट ब्लॉग जरूर देखना। बाकी मैं तुम लोग से मिलता हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बी हैप्पी।